कर रहे हैं मास्टर कैंप में ग्रूविंग का ऑपरेशन, ठीक है। तो ग्रूविंग का ऑपरेशन चलेगा कैसे वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से वेरीफाई करेंगे, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रूविंग करेंगे कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर पॉकेट हो या टेपर में कोई पॉकेट हो। तो इसमें हमने एक पहले टर्निंग का ऑपरेशन किया, उसके बाद यहाँ पे ये ग्रूविंग के ऑपरेशन है। स्पीड स्लो कर सकते हैं। ये पहले एक साइड लेफ्ट में जाता है, एक साइड राइट में जाता है, एक साइड लेफ्ट में, एक साइड राइट में, एक साइड लेफ्ट में, एक साइड, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके प्रोफाइल्स हैं। तो जैसे हम ग्रूविंग कर सकते हैं, हमारी रेक्टेंगुलर शेप में प्रोफाइल भी हो सकती है, किसी टेपर में, एक साइड टेपर है, एक साइड स्ट्रेट है, ऐसा भी हो सकता है। और हमारी प्रोफाइल अगर रेक्टेंगुलर है बट फिर भी हम उसमें ड्राफ्ट एंगल भी दे सकते हैं और रेडियस भी दे सकते हैं कॉर्नर पे। तो ये सारे ऑपरेशन करके देखेंगे हम, शुरू से लेके एंड तक सारी बनाते हैं। देखो यहाँ पे टेपर भी है और अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे रेडियस भी बना हुआ है, ठीक है। रफिंग का ऑपरेशन, फिनिशिंग का ऑपरेशन, वो भी हम कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो हमारे को ये टूल पाथ बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शुरू से फाइल बनाते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना नाम जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो कॉल भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नई फाइल खोल लेते हैं। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे कि हमारे को ग्रूविंग के लिए कैसी प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। हमारे को चाहिए सबसे पहले एक वर्कपीस जिसमें हमारे को कटिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कर देते हैं 225 का, और डायमीटर कर देते हैं 50, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोफाइल बना लेंगे अपने। जैसी भी शेप चाहिए आपको वैसी शेप सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फालतू का डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमारे को ऊपर वाली पोर्शन नहीं चाहिए, हमारे को ये कर्व भी नहीं चाहिए एक्चुअल में, हमें सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री ही चाहिए, ठीक है। हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं डायनेमिकली, सेलेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने चेंज करना है, हैंड सिलेक्शन, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होगा, कितना डिस्टेंस पे जाना है आपने। अगर हम यहाँ से कॉपी ऑन कर देंगे तो कितनी कॉपी बना दें, ठीक है। तीन कॉपी चाहिए तो तीन कॉपी ओके कर दो। एक तो हम ये प्रोफाइल बनाएंगे, सेकंड प्रोफाइल हम बनाएंगे जिसमें हमारा साइड जो है एक साइड टेपर हो, एक साइड स्ट्रेट हो, ठीक है। और एक प्रोफाइल हम और बनाएंगे जिसमें हमारा को साइडों में टेपर करना है बट प्रोफाइल हम सीधी बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रूविंग करने के लिए हमारे को चाहिए क्या, सबसे पहले तो हमारे को टूल पाथ ऑन करना है और यहाँ पे मशीन लेनी है लेथ। वीडियो को देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि साथ साथ किया जाए, साथ साथ मास्टर कैम खोल के अगर करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बहुत आसान ऑपरेशन है ग्रूविंग का। ग्रूविंग लो, यहाँ पे लिखा है चेन, अगर मैं चेन लेके ओके करता हूँ और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके किया, तो ये हमारा ग्रूविंग के टूल्स आने लग गए। अब ग्रूविंग के टूल को हमने पहले एडिट करना है क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए इसकी टूल होल्डर। होल्डर में जाएंगे, ये जो सी वाला सी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम 45 कर देते हैं, ठीक हो गया। बाकी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, इंसर्ट का डिस्टेंस कितना चाहिए आपको, ये वाले वैल्यू कितनी चाहिए, ये वाली वैल्यू कितनी चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, तो सारा कुछ हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद आते हैं ग्रूविंग पैरामीटर, यहाँ से हमारे को देखो बताना है कितने डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री पे आना है, अभी हमारे को ऊपर से चाहिए तो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ग्रूविंग पैरामीटर आया हमारे यहाँ पे स्टॉक अमाउंट, मतलब अगर इससे दूर से हमारे को कितनी दूर से फीड शुरू हो जाए, फीड स्पीड जो ग्रूविंग के लिए हमारे को चाहिए वो कितना डिस्टेंस से शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं, इसको 0.25 दे सकते हैं। स्टॉक टू लीव इन एक्स, स्टॉक छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे को फिनिशिंग ऑपरेशन करना है, इसलिए यहाँ पे हम स्टॉक छोड़ देते हैं 0.2 mm का, एक्स में भी और जेड में भी, ठीक है, तो स्टॉक छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है स्टॉक क्लियरेंस, तो कटिंग करने के बाद जब ऊपर उठेगा तो कितना एम एम ऊपर उठ के फिर अगला प्लंज शुरू होगा, तो 2 mm दे दिया। ये वैल्यू है हमारी अमाउंट में, कितना कितने कितने का कट लगेगा, ठीक है, स्टेप अमाउंट भाई हमारी जो ये टूल की विड्थ है ये 1.4 के करीब है, तो हमने इसको कहा 2 mm आगे 2 mm आगे, यानी कि थोड़ा सा आगे करके कटिंग करेगा ये। उसके बाद कितने कितने का कट लगाना है हमारे को, स्टेप ओवर कितना, तो ये टूल के डाई का 10% हमेशा आगे जाएगा, हर बार 10% आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिनिशिंग की पैरामीटर है, भाई आपको कितना स्टेप ओवर चाहिए, स्टॉक कितना छोड़ना है, वो सारा कुछ हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ देने के बाद हम यहाँ से कर देंगे ओके, तो ये हमारी देखो कटिंग हो गई। अब ये कटिंग कैसे हुई ध्यान से देखनी है, कि टूल हमारा आएगा, स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूँ, ठीक है, तो हमने उसको तो बोला था 2 mm दूर, तो 2 mm दूर रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये एक बार नेगेटिव साइड जा रहा है और फिर ऊपर उठ के दूसरी साइड आता है और वहां पे कटिंग करता है, फिर ऊपर उठेगा, फिर राइट साइड, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो हम यहाँ से पैरामीटर में जाके ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल की जगह पॉजिटिव साइड कर दूंगा या नेगेटिव साइड कर दूंगा, मैं कहिए नेगेटिव साइड, तो जनरेट करेंगे, तो ये एक साइड से स्टार्ट होगा, दोबारा से देखते हैं, टूल पाथ में जाएंगे, ये देखो पहले सेंटर में से स्टार्ट हुआ था, अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसके बाद एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, स्पीड तेज कर लेते हैं। अभी जो हमने चेन बनाई थी वो सिंगल चेन बनाई थी, ठीक है, अब हम दो को इकट्ठे अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, जब हम ग्रूविंग लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे चेन कर दूँ तो इसमें एक ही चेन बनाई जा सकती है, अगर मल्टीपल चेन कर देंगे ओके, तो हमने क्या करना है, एक चेन सेलेक्ट की, एंड चेन किया, फिर दूसरी चेन सेलेक्ट की, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ये दोनों चेन इकट्ठी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, दो हो तीन हो चार हो जितनी मर्जी चेन इकट्ठी सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला बटन है एंड चेन का, एंड चेन किया ओके किया। उसके बाद टूल हमने वही वाला सेलेक्ट कर लेना है अपना, बाकी पैरामीटर भी उसी हिसाब से जैसे पहले हमने दिए थे वैसे ही दे सकते हैं, ओके करेंगे तो ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम चला के देखें टूल बार को तो ये दोनों में कटिंग करेगा, फिनिशिंग भी की है इसने, ठीक है। जो ये टेपर वाली ऑप्शन है इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें सेम हमने चेन ही सेलेक्ट करनी है
और यहाँ से लेके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सेम पैरामीटर के हिसाब से काट देगा। यानी ये वाली प्रोफाइल जैसी मर्जी हो सकती है, कहने का भाव ये है, कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर शेप हो, जैसी मर्जी प्रोफाइल हो सकती है। अब बात आती है टेपर वाला कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे को ये रेक्टेंगुलर शेप है बट टेपर देना है, तो यहाँ पे हम करेंगे टू पॉइंट। तो इसमें हमारे को दो पॉइंट देने हैं, एक और अपर लेफ्ट अपर राइट कॉर्नर और लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो दो पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ये दिया और एक पॉइंट ये दिया। ठीक है, और एंटर दबाना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना है, जितनी देर में ये होगा। तो अगर आपने लाइक कर दिया तो आगे चलते हैं ग्रूव शेप पैरामीटर्स में। तो जब टू पॉइंट करेंगे तभी ये ऑप्शंस आएंगे। तो अब हम यहाँ पे रेडियस दे सकते हैं कि मुझे टॉप में कितने का रेडियस चाहिए, कॉर्नर्स में चाहो तो दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए कोई बात नहीं। टेपर एंगल कितने का चाहिए, मैं कह जी 15 डिग्री इधर चाहिए, 15 डिग्री इधर चाहिए, और नीचे रेडियस कितना चाहिए। ठीक है, तो 5-5 का रेडियस लगा दिया हमने, ओके करते हैं। तो ये देखो ये शेप उसने टेपर वाली बना दी, टेपर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। ठीक है, तो इसमें भी पैरामीटर में हम सिलेक्ट कर सकते थे सारा कुछ, पॉजिटिव साइड जाना है या नेगेटिव साइड जाना है, ठीक है, अल्टरनेटिव जाना है। जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम फिलेट की जगह चैम्फर भी लगा सकते हैं। यहाँ पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे चैम्फर की ऑप्शन है कि आपको ऊपर वाली साइड यहाँ पे इधर चैम्फर चाहिए, तो चैम्फर पे क्लिक करेंगे तो ये चैम्फर का डिस्टेंस वगैरह आ रहा है, विड्थ कितनी चाहिए आपको, हाइट कितनी चाहिए, एंगल कितने का चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा जी मान लो 5 की विड्थ चाहिए। ठीक है, ओके करते हैं, ओके करते हैं और जनरेट। ये चैम्फर के साथ रेडियस भी लगा है क्योंकि वहाँ पर रेडियस भी आ रहा था, जब हम चैम्फर लेते हैं तो यहाँ पे बॉटम रेडियस भी आ रहा है, यहाँ पे कितना रेडियस चाहिए, मैं कहा जी 3 का, ऊपर वाली साइड कितना रेडियस चाहिए, टॉप वाली साइड, मैं कहा जी यहाँ पे 3 का। तो यहाँ पे चैम्फर स्टार्ट हो रही है, जहाँ से चैम्फर ख़त्म हो रही है दोनों कॉर्नर पे रेडियस भी लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी रेडियस लग गया, यहाँ पे भी रेडियस लग गया। ठीक हो गया, तो अब हम इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए हमारे को स्टॉक चाहिए, स्टॉक सेटअप में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टू पॉइंट देंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ओके ओके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 30 तक सारे ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे कर रहे हैं और हम इसको करेंगे वेरीफाई। थोड़ा सा जनरेट होने में स्टॉक टाइम लगता है, इतनी देर में आप लाइक भी बता सकते हो। कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अपना नाम भी लिखो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा देखना चाहते हो वो भी लिखो। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, अब हम इसको रीजनरेट दबा देते हैं, सब रीजनरेट हो गए, देन वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, प्ले का बटन दबा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने टूल की लेंथ चेंज नहीं करी थी, उस वजह से यहाँ पे ये रेड का निशान आ रहा है। तो रेड का निशान आने का मतलब है कि आपका टूल जो है टूट चुका है। और यहाँ पे देखो ये चैम्फर भी लगी हुई है, इस साइड रेडियस भी लगी हुई है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, चलो अच्छा है इससे हम एडिट करना भी सीख जाएंगे। हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला था, इसमें जो हमारा टूल है हमने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है नैरो टूल। ठीक है, इसके बजाय हम ये वाला ले लेते हैं और फिर से जनरेट दबा देते हैं। ठीक है, वेरीफाई करेंगे,
प्ले करेंगे। ठीक हो गया अभी, क्योंकि हमने ऊपर वाले सिलेक्ट नहीं किए थे इसलिए वो आए नहीं। तो सबको सिलेक्ट टूल पाथ पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो सारे ऑपरेशन चला के दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे हम थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग का टूल पाथ करेंगे शुरू से लेके एंड तक, देखेंगे कैसे कैसे थ्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो लाइक पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। और ये हमारा नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो, कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो कॉल करके भी ले सकते हैं।